जय जगन्नाथ दोस्तों। तो सबको स्वागत है एक नया ब्लॉग में। तो मेरे महाराष्ट्र में कुछ दोस्त लोग बोले कि तुम वीडियो हिंदी में ही बनाओ कि हमें भी कुछ समझ में आए, इसलिए मैं वीडियो हिंदी में ही बना रहा हूँ। और अभी तो सुबह का टाइम है तो सबको मॉर्निंग डाइट दिया जाता है। सब मतलब जो भी हमारे पास है मेम्बर्स सबको हम मॉर्निंग डाइट देते हैं। तो आप लोगों को मालूम भी है कि क्या क्या देते हैं क्या नहीं। तो आज भी हम दिखाते हैं आपको, कुछ नया चीज़ खाने के लिए देंगे जो आपको ही पता चलेगा कि हम क्या खाने के लिए देते हैं मॉर्निंग डाइट में। और आप सब लोगों के लिए कुछ सरप्राइज भी है कि हम कुछ नए दोस्त भी लेके आएंगे हमारे इस छोटे से कैच के लिए, कुछ नया आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, हमको मॉर्निंग डाइट देते हैं तो क्या क्या खाने में देते हैं हम आपको दिखाते हैं, आ जाइए। तो दोस्तों ये देखिए, ये सब है मॉर्निंग डाइट में तोते के लिए। वो पैरोटे यही खाएंगे। तो हर दिन तो हम यही नहीं दे सकते, जब मिलता है जो सब्जी वगैरह तो वही देते हैं। तो इन लोगों को ग्रीन फूड ही देना चाहिए, मतलब कि सब हरे भरे पत्ते ही जो है खाने के लिए इनको देना चाहिए। कुछ मतलब रसोई का ज़्यादा कुछ नहीं देना चाहिए, राइस रोटी ये चलेगा। तो देखते हैं ये लोग कैसे प्यार कितने प्यार से खाएंगे। देखो उसको, देखो वो कैसे मज़ा ले रहा है और ढूंढ ढूंढ के काजू ही खाएगा। देखो कैसे झगड़ रहे हैं। तो ये सब हम रैबिट को खाने के लिए देंगे। हमारा तो आप लोगों को मालूम है कि हम लोग का दो ही रैबिट है, पांच थे पहले, दो तो ऐसे ही मर गए और एक बिल्ली या कुत्ता कैसे ले गया। पहले ये दरवाज़ा सही नहीं था इसलिए घुस के अंदर ले गया था। तो ये उनका खाने के लिए गाजर वगैरह, पत्ते का गोभी, ये सब है तो हम खाने के लिए देंगे उसको। ये देखिए कैसे खाने के लिए उतावला हो रहे हैं। देखो चलो चलो ना चलो, देखो कैसे खा रहे हैं मज़े में। इनका भी कुछ डाइट प्लान करना चाहिए कि मतलब कि कितने बजे देना चाहिए खाने के लिए, कितना खाने के लिए देना चाहिए। अगर आप हर वक्त भी इनको मतलब खाने के लिए देंगे तो ये खाते रहेंगे, जो कि इनके तबीयत के लिए सही नहीं है। तो आपको थोड़ा रूटीन बनाना पड़ेगा, एक दिन में एक दो तीन बार ही देना चाहिए, जैसे कि सुबह का कुछ टाइम, उसके बाद 10-12 बजे एक बार, उसके बाद शाम को या रात को एक बार, ऐसे देना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि हर वक्त इनके पास खाना रहेगा तो ये लोग खाते रहेंगे, ये इनका प्रॉब्लम है। क्योंकि इनको मालूम नहीं है ना कितना खाना है, आप जितना भी खाना देंगे ये दिन भर ऐसे ही चबाते रहेंगे। तो हमारे इस इधर हमारे कुछ और भी नए मेंबर आने वाले हैं जो कि मैंने आपको बताया नहीं था। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा वो नए मेंबर कौन आने वाले हैं, जो बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका। तो चलिए चलते हैं नए मेंबर देखने के लिए। तो ये देखिए एक मुर्गी बैठी हुई है अंडे देने के लिए, तो और दूसरी वाली इधर बैठी हुई है। तो नए मेंबर इसके अंदर से आने वाले हैं, मतलब कि ये अंडे के ऊपर बैठी हुई है और इसको 12-13 दिन हो गए हैं और 6-7 दिन के बाद इसके अंडे से बच्चे निकलेंगे, जो आपको हम दिखाएंगे जब निकलेंगे उस वक्त एक वीडियो बना के अपलोड करेंगे। तो आप देख लीजिए ये वाली सही हमारा सही सबसे अच्छी वाली है। तो ये हर वक्त जब भी अंडे में बैठती है तो हर वक्त बहुत ज़्यादा ही बच्चे निकालती हैं, मतलब बहुत बच्चे निकालती है और अच्छी माँ है ये। तो जब ये बच्चे निकालेगी तो हम आपको दिखाएंगे कि कितने बच्चे निकले हैं और कितने अंडे दिए थे हमने। तो ठीक है, हमारे कुछ और भी मेंबर्स हैं जो हमने आपको कभी वीडियो में 2-3 मिनट हो गया है तो हम आपको दिखाए भी नहीं थे। तो आइए हमको दिखाते हैं आपको नए मेंबर्स हमारे जो है भी है। यहाँ पर हम मछली वगैरह रखे हैं, तो 4 मछली हैं इसमें, जो कि 3 है नॉर्मल शार्क का, ये एक रेटल शार्क का। तो इनका भी मॉर्निंग का खाना देना चाहिए इन लोगों को, तो हम इनको भी दे देंगे। तो हर एक को 2-3 हिसाब में देना चाहिए इनका खाना, ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो देखिए हम दे देंगे खाने के लिए। देखो कितने प्यार से खा रहे हैं लोग। तो आप सबने तो पूरा वीडियो देखा है, मतलब देखा कि हमने क्या क्या खाने के लिए दिया मॉर्निंग के डाइट में।
तो हर दिन वही देते हैं, मतलब कुछ कुछ चेंजेस होता है। जिस दिन जो दुकान से मिलता है हम लेके आके हमें आके खाने के लिए देते हैं। और वीडियो के स्टार्ट में भी आपको हमने बताया था कि अब कुछ नया मेंबर्स हम लाने वाले हैं हमारे इधर, तो वो भी आपको एक दो दिन में हम ले आएंगे, आपको पता भी चल जाएगा क्या क्या नया लेके आए हैं हम। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप कमेंट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसमें मतलब गलती क्या क्या है, हमने क्या और क्या अच्छा हो सकता है और क्या ला सकते हैं। ऐसा करेंगे तो अच्छा लगेगा हमको, अच्छा है बुरा है आप कमेंट करना कमेंट में बताइए। और कमेंट नहीं करेंगे बस व्यू मतलब देख लेंगे और शेयर कर लेंगे तो पता नहीं चलता है कि वीडियो कैसा हुआ है क्या हुआ है। तो अगर आप देख के कमेंट करेंगे तो उसके बाद हमको पता चलेगा, है ना। तो आज के वीडियो का मतलब आज के ब्लॉग इधर ख़त्म करते हैं। जय जगन्नाथ।